वेदों में कहा गया सूत्रामाणम पृथ्वीम देवीम नावम, सूत्रामाणम पृथ्वीम देवीम नावम, यह मनुष्य का शरीर दिव्य नौका है, इससे जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को तत्पर होना चाहिए। मतलब हमें जो ये जीवन मिला है ये एक दिव्य नौका है जिससे हम अपने जीवन में सफलताओं के किनारे पर जाकर लग सकें। चाहते सभी हैं सफलता। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे सफलता है क्या। सामान्य भाषा में तो ये कहा जाता है कि आपकी कोई तीव्र इच्छा, बहुत समय से लंबित इच्छा, जब पूर्ण होती है तब आप उसको प्राप्त करके कहते हैं आज मैं सफल हुआ। कुछ लोग नौकरी लग जाने को सफलता मानते हैं, कुछ लोग मकान बन गया तो कहते हैं सफल हो गए, कुछ लोगों का विवाह हो गया तो कहते हैं सफलता प्राप्त हो गई, किसी के घर में संतान हो गई तो वो भी उसको सफलता मानते हैं, किसी पद पर पहुंच जाना भी एक सफलता मानी जाती है, परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आप अच्छे नंबरों से सम्मान और गौरव को प्राप्त कर गए, ये सब एक सामान्य सफलताएं हैं। अब अगर हम विशेष रूप से सफलता कहें तो लक्ष्य की प्राप्ति सफलता है। जो भी आपने जीवन में लक्ष्य रखा उसकी प्राप्ति को हम सफलता कहते हैं। और मजे की बात यह है कि सफलता आते ही आप में एक आत्मविश्वास आ जाता है। सफलता प्राप्त होते ही सफलता सफल लोगों के बीच में बैठने का मौका देती है। उससे पहले आप सफल लोगों में नहीं बैठ पाते थे। सफलता पाते ही सफल लोगों के बीच बैठने का मौका मिलता है और सफलता आपको आत्मविश्वास के साथ आत्म गौरव का मौका देती है। और सफल जब आप हो जाते हैं तो दूर वाले भी नज़दीक हो जाते हैं, और जब सफलता आ जाती है तो लोग आपकी नकल करना शुरू करते हैं कि इसकी नकल करो, इसकी अक्ल ज़्यादा है क्योंकि ये सफल हुआ है। और सफलता का कमाल ये भी है, सफलता और सफल होने के लिए प्रेरित भी किया करती है। इसलिए सफलता तो चाहिए, लेकिन मेरे अनुसार सफलता के पीछे भी एक सफलता है। जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आप सफल नहीं कहलाते। अब वो सफलता के पीछे की सफलता क्या है, इसे आप पकड़ने की चेष्टा करना जो मैं बताने लगा हूं। आपसे पूछा जाए कि आप अपने जीवन में किस चीज को सफलता मानते हैं, तो कोई तो कहेगा कि नौकरी मिल जाए, कोई कहेगा मकान बन जाए, कोई कहेगा घर गृहस्थी बस जाए, कोई ये कहेगा कार मिल जाए। अब मान लीजिए कि कार मिल गई, पूछा गया कार किस लिए सुविधा हो जाए, नहीं और किस लिए चाहते थे, तो व्यक्ति कहता है बस कार मिल जाए तो जिंदगी में आनंद आ जाए। मकान किस लिए, जीवन में बस सुख और आनंद आ जाए। शादी किस लिए, सुखी और आनंदित हो जाऊं। अब प्रश्न कीजिए, मकान मिल गया, शादी हो गई, नौकरी मिल गई, अब उससे पूछा जाए कि नौकरी मिल गई जिंदगी में आनंद आ गया, बोले नौकरी तो है पर परेशानी बहुत है, शादी हो गई आनंद है जीवन में, नहीं कलेश ही कलेश है, अच्छा संतान हो गई सुखी हैं, बोले और ज़्यादा मुसीबत में फंस गए, जीवन में आनंद नहीं है। आदमी खोज क्या रहा था, मकान इसलिए चाहिए था उसके जीवन में आनंद आए, विवाह इसलिए चाहिए कि उसके जीवन में आनंद आए,
उसे गाड़ी सुख साधन इसलिए चाहिए उसके जीवन में आनंद आए, उसे नौकरी इसलिए चाहिए उसके जीवन में आनंद आए। पता ये लगा कि सफलता के पीछे की सफलता सिर्फ आनंद है। जब तक आनंद जीवन में नहीं है, आपकी सफलता पूर्ण नहीं है। अब प्रश्न ये आएगा कि आनंद हमारा हो जाए तो परमात्मा को कहते हैं आनंद स्वरूप। क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंद उसी का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव प्रकाश देना और गर्मी देना, जल का स्वभाव शीतलता देना और तृप्ति देना, ऐसे परमात्मा का स्वभाव आनंद देना है। तो इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा और उसकी शरण नहीं मिलेगी, तब तक आपकी जिंदगी में आनंद नहीं होगा, सफलता के पीछे की सफलता नहीं होगी। इसलिए अद्भुत बात है, ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी आदमी रो रहा है, पद तो मिल गया लेकिन सफलता नहीं मिली। तो सफलता के लिए क्या करना है? संसार के संसाधनों के साथ कृपा भी चाहिए परमात्मा की। वेदों में एक और संदेश है, यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व, यजुर्वेद में है। जीवन यज्ञ के शुभ अनुष्ठान के सुसंपादन में तुम संस्थित हो जाओ, लग जाओ। जीवन यज्ञ के शुभ अनुष्ठान में अच्छे से सुसंपादन करने के लिए संस्थित हो जाओ, पूरी तरह जुड़ जाओ, लग जाओ कि जीवन का ये यज्ञ, ये जो अनुष्ठान है, बहुत अच्छे से पूरा हो। जीवन यज्ञ के शुभ अनुष्ठान को, मतलब जीवन एक यज्ञ है, इस अनुष्ठान को, शुभ अनुष्ठान को बहुत अच्छे से पूरा करना है, बहुत अच्छे से। जीवन के अंदर से सुगंध आने लग जाए। इसलिए 20 साल पहले मैंने एक उद्दालक ऋषि का वचन कहा था अपने शब्दों में, उसे बहुत पसंद किया गया, मैं उसको फिर से दोहराना चाहता हूं, जिसे आप भी याद कर लें कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। हर दिन मन मन में दोहराइए, हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सके, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागे तो चेहरे पर मुस्कान कायम रहे। हर रात इस तरह बिताएं कि जागें तो चेहरे पर मुस्कान कायम रहे। जवानी को इस तरह बिताएं कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। जवानी को इस तरह बिताएं कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताएं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। न साथ का, न सहारे का, न रुपए का, न पैसे का, किसी से भी हाथ फैलाकर सहायता न मांगनी पड़े। भगवान से मांगो मेरे जीवन का फूल खिले, मुस्कराए, बिखर जाए, पर इसे कभी सड़ने की नौबत ना आए। अब मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, और अच्छी बातों के लिए ताली बजनी ही चाहिए, आपने बजाई, लेकिन ताली का बजाने के साथ उसकी ताल जिंदगी में आ जाए, नोट करना जरूरी है। और फिर जब संकट आए तो ताल ठोक कर आप उसका सामना कर सकें, इसलिए ये विचार आपकी जिंदगी में जुड़ने जरूरी है।
और आजकल तो वैसे भी 20-20 मैच का जमाना हो गया शुरू, के भाई ज़्यादा टाइम तक आदमी जो है वो मैच भी देखने को नहीं बैठता। तो जीवन का अनुष्ठान दिव्य हो सके इसके लिए पहला कार्य जो आपने करना है आत्म अनुशासन, जिसे आत्मानुशासन कहोगे आप, सेल्फ डिसिप्लिन, यहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। आत्म अनुशासन से यात्रा शुरू होगी। अगर आप अपना अनुशासन बना पाते हैं जिंदगी कीमती बन जाएगी। अब उस अनुशासन में यहां से शुरुआत करो कि अपना आलस्य जीतने की चेष्टा करिए, अपनी लापरवाही को जीतने की कोशिश कीजिए, अपने स्वाद पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कीजिए। जब आपका क्रोध चरम पर पहुंच रहा हो और आप अपना ब्रेक इस्तेमाल कर सकें और कहें रुक जाओ, क्योंकि क्रोध हो वैवस्वतो राजा, यमराज का ही रूप है ये क्रोध। जहां जागती है आग पहले उसी को जलाती है जिस चीज में अग्नि प्रकट होती है। क्रोध भी जिसके अंदर प्रकट होगा पहले उसे जलाएगा और फिर जिस पर गिरेगा उसे जलाएगा। तो जब आप अपने पर ब्रेक लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो इसको कहते हैं आत्म अनुशासन आपके अंदर जागृत हो गया, और यहीं से आपकी जिंदगी में दिव्यता शुरू होती है। बस यहां से शुरुआत करिए।